विद्युत विभाग एक तरफ बिजली माफिया पर कार्यवाही की बात करते हुए इसकी तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर अपने ही विभाग के ठेकेदार द्वारा फर्जीवाड़ा कर विभाग को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। मामला विदिशा के नजदीक ग्राम चुनरिया के पास बन रही कॉलोनी का है। क्या है पूरा मसला, देखिए इस खबर में। दरअसल गुलमोहर कॉलोनी के ऊपर से 11 केवी की विद्युत लाइन गुजर रही थी, जिसे कॉलोनाइजर ने विद्युत ठेकेदार से मिलकर बिना विभाग को सूचना दिए शिफ्ट कर दिया। बताया गया कि यहां 4 लोहे के पोल और 1 सीमेंट का पोल शिफ्ट किया गया है। इस लिहाज से विभाग को हजारों रुपए का चूना लगा है। बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शिफ्टिंग से अनजान होने के साथ गलत होने की बात स्वीकार करते हुए कार्यवाही की बात कह रहे हैं। बताया गया कि गुलमोहर कॉलोनी भोपाल निवासी किसी कॉलोनाइजर द्वारा विकसित की जा रही है। उन्होंने विद्युत ठेकेदार अशोक छीपा से साठ गांठ कर बिजली विभाग को चूना लगाते हुए यह शिफ्टिंग की है। अशोक छीपा नाम के व्यक्ति का मैटर आया, उसने हमारी एक लाइन थी हाथियों पंप फीडर, तो उस पंप फीडर से इन्होंने लाइन शिफ्ट की। उस शिफ्टिंग में इन्होंने अवैध रूप से बिगर विभाग की अनुमति लिए और इन्होंने काम कर दिया। क्योंकि इन जो पुरानी लाइन थी, तो पुरानी लाइन इन्हें डिसमेंटल कर दी, जिसकी परमिशन इनके द्वारा ना हमसे ली गई ना विभाग से ली गई। और वो पुरानी लाइन ना होने के कारण जिन्होंने नई लाइन करी, जिसके कारण हम उसकी वो लाइन नहीं काट पा रहे, क्योंकि वो फीडर बंद रहेगा। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि शिफ्टिंग के दौरान बिजली सप्लाई को बंद रखना होता है, और इस दौरान शिफ्ट किए गए पोल्स पर सप्लाई को बंद रखने के लिए ठेकेदार को आखिर परमिट कैसे मिल गया। फिलहाल विभाग के जेई ने कार्यवाही की बात कही है। खबर बार न्यूज के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट।